बिजनेस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय विनर इंस्टीट्यूट। नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिजनेस न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। सोना 100 रुपए लाख में, चांदी 78,200 रुपए पर। आखिरी एक घंटे में विदेशी निवेशकों की तगड़ी खरीदारी से 204 अंक चढ़ा सेंसेक्स, 204 अंकों की बढ़त के साथ 67,174 पर। भारतीय रिजर्व बैंक के दिसंबर 2023 की छुट्टियों के कैलेंडर के अनुसार दिसंबर महीने में कुल 18 दिन बैंक बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में साप्ताहिक रविवार और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को मिलने वाली छुट्टियां शामिल है। इनमें से कुछ छुट्टियां किसी विशेष राज्य या क्षेत्र के लिए है। हालांकि 18 दिनों की इन छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी। ग्राहक उनके जरिए अपनी बैंकिंग से जुड़े काम निपटा सकेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अनुसार सभी बैंक छुट्टियों को 4 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये वर्ग है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के तहत मिलने वाली छुट्टियां। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत मिलने वाली छुट्टियां बैंकों के खाते क्लोज करने से संबंधित छुट्टियां और राज्यों की ओर से निर्धारित बैंक छुट्टियां। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में और बढ़ोतरी नहीं करने के संकेत से दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में आई गिरावट से मंगलवार को अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया 6 पैसे मजबूत होकर 83.34 रुपए प्रति डॉलर हो गया। वहीं इसके पिछले कारोबारी दिवस रुपया 83.40 रुपए प्रति डॉलर पर रहा था। शुरुआती कारोबार में रुपया 2 पैसे सुधर कर 83.38 रुपए प्रति डॉलर पर खुला और सत्र के दौरान आयातकों एवं बैंकरों की बिकवाली से 83.32 रुपए प्रति डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अंत में पिछले दिवस के 83.40 रुपए प्रति डॉलर की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 83.34 रुपए प्रति डॉलर हो गया। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार वैश्विक बाजारों में कीमती धातुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को सोने की कीमत 100 रुपए चढ़कर 62,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गई। पिछले कारोबार में कीमती धातु 62,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। चांदी की कीमत 78,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर अपरिवर्तित रही। वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा कि मंगलवार को सोने की कीमत में तेजी आई है। दिल्ली बाजार में सोने की हाजिर कीमत 62,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करी थी, जो पिछली बंद के मुकाबले 100 रुपए अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना बढ़कर 2014 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर था, जबकि चांदी 24.60 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर लगभग स्थिर रही। गांधी ने कहा कि कॉमेक्स पर सोना हाजिर 2014 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद से 4 अमेरिकी डॉलर अधिक है। दोपहर बाद ऑटो, पावर और मेटल शेयरों में खरीदारी निकलने से घरेलू शेयर बाजार में दो दिन से जारी गिरावट मंगलवार को थम गई। सेंसेक्स 204 अंकों की बढ़त के साथ 67,174 पर और निफ्टी 95 अंक चढ़कर 19,890 पर बंद हुआ। दोपहर में 2:15 बजे तक सूचकांक सीमित दायरे में ट्रेड करी थी, लेकिन विदेशी निवेशकों की भारतीय शेयर बाजार में लिवाली बढ़ने से खरीदारी बढ़ी। एक समय सेंसेक्स 286 अंक चढ़कर 67,256 तक पहुंच गया था। निफ्टी 122 अंकों की बढ़त के साथ 19,917 तक पहुंच गया था। NSDL के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 4,040.23 करोड़ रुपए लगाए। बैंकिंग फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने बैंकों को साइबर सुरक्षा संबंधी खतरे से निपटने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने की सलाह दी है। मंत्रालय और बैंकरों के बीच हुई बैठक में सरकार ने बैंकों से साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए सुरक्षा उपाय बढ़ाने को भी कहा। ये निर्देश हाल ही के महीनों में बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई वित्तीय धोखाधड़ी के नए मामलों के बाद जारी किए गए हैं। यूको बैंक ने 10 नवंबर को IMPS सर्वर में समस्या की सूचना दी थी। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा के डिजिटल एप्लीकेशन बॉब वर्ल्ड से जुड़े धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए थे। इस बीच वित्त सचिव विवेक जोशी ने कहा कि सरकार ने संदिग्ध गतिविधियों के कारण 70 लाख मोबाइल फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिए हैं। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। सोना 100 रुपए लाख में, चांदी 78,200 रुपए पर।
आखिरी एक घंटे में विदेशी निवेशकों की तगड़ी खरीदारी से 204 अंक चढ़ा सेंसेक्स 204 अंकों की बढ़त के साथ 67,174 पर। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए NBC News। नमस्कार।